एक छोटा सा वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करना है जो बच्चों के माइंड में, क्योंकि बहुत सारी पहले कुछ सीनियर्स से पता लगता है, लोगों को तो सुन के ही पता लगता है, ठीक है। तो ये होता है कि कई बार ऐसा देखा गया, जो बच्चे सोचते थे कि हमारी तो ड्रिल बहुत अच्छी है, चटकी के साथ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनका तो राजपथ में सिलेक्शन हो नहीं पाता। और जिन बच्चों की इतनी अच्छी ड्रिल नहीं होती, या लोग सोचते हैं उनकी अच्छी इतनी ड्रिल नहीं है, वो बच्चे राजपथ के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। इस बारे में क्या विचार है आपके? बारे में होता है ऐसा। मैंने तो आपको यही आपके मतलब कुछ तो ऊपर वाले की मेहर भी होनी चाहिए राजपथ के हाँ लिए। फिर बिल्कुल, अगर आपकी ड्रिल अच्छी है, एक होती है ड्रिल वो जो खुद बोलता है कि हाँ भाई मेरी अच्छी ड्रिल, ये बात भी बोलेंगे हाँ भाई मेरी अच्छी ड्रिल है। बट अगर आपकी मार्चिंग बढ़िया है, मार्चिंग अच्छी मार्चिंग है आपकी, आपको सलामी तो है नहीं, सिर्फ मार्चिंग ही करना आपको। अगर आपकी मार्चिंग बढ़िया है, आपका हैंड स्विंग बढ़िया हो रहा है राइफल के साथ, तो आपका कोई राजपूत नहीं रोकने वाला है। बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में अगर बताऊं तो इतना सा है कि वो पूरे कंटिजेंट को साथ में चलना है। अब किसी की ड्रिल बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, वो अलग से दिखेगा, अब अलग से तो दिखाना नहीं है किसी को, वो तो सारों को मिलके चलना है। वो अलग से दिखेगा तो फायदा क्या इतने अच्छे का भी, वो तो बिल्कुल कंटिजेंट सेम दिखना चाहिए सारा। तो जो मिलके चल सकता है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, ना कि जो अलग से दिखे उसके। भाई मैं ठीक कह बिल्कुल रहा हूँ ना? बिल्कुल, आपका जो आंसर था एकदम राइट है। आपको भी हाँ एक्सपीरियंस यही होता है, एक्चुअली यही होता है। आप जब क्या करते हो ज्यादा, तो एक्स्ट्रा कायर अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा कायर बिल्कुल ही नहीं करनी, क्योंकि आपका जो 148 का जो कंटिजेंट है उसमें आपको साथ देके चलना है, आपको साथ लेके चलना है। हैंड आगे सेम है तो पीछे भी सेम, पीछे आप कितना भी फेंक सकते हो लेकिन आगे आपका एकदम बराबर होना चाहिए। वही है, आपको मिलकर चलना, तो मिलकर चलोगे तो आपको वही है कि साथ लेके चलना है। तो कंटिजेंट के साथ देके मैचिंग करके उसको चलना है, ना कि अपनी ड्रिल दिखानी है, इंडिविजुअली ड्रिल नहीं दिखानी है, वहां पर अपने साथ लेके चलना है, कंटिजेंट के साथ चलना है। जाएगा कि आरडीसी के अलावा और कौन कौन से कैंप होते हैं, उन कैंप कैसे सिलेक्शन होते हैं, और भी सारी जो जानकारी है, जो एनसीसी की जानकारी है, एनसीसी क्या काम आती है, एनसीसी के बारे में हर एक आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके जो क्वेश्चन है, उनकी आंसर देने की कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा।